हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स में हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस का हमारा जो सीरीज चल रहा है डिफरेंशिएशन का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और क्लच के अनुप्रयोग। और नेचुरली ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबे गैप के बाद मिल रहा है। आप लोग को बहुत शिकायत है कि सर आप मैथ्स के वीडियो नहीं डाल रहे हैं। एक्चुअली आप लोग को रीज़न पता है कि हम डिजिटल बोर्ड और अपने पूरे स्टूडियो को थोड़ा एडवांस करने के लिए, डिजिटलाइजेशन करने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया, इसलिए थोड़ा सा गैप हुआ। बाकी आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कंटिन्यूस आपको क्लास प्रोवाइड कराऊँगा और इस कंटिन्यूस क्लास में आपका सिलेबस हम कोशिश करेंगे बिल्कुल टाइम में पूरा हो जाए। डिफ्रेंशिएशन के बाद इमीडिएट हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, समाकलन, तो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब आपको लगातार मैथमेटिक्स का वीडियो मिलेगा, डोंट वरी, आप मेरे साथ मेहनत करिए। ओके, देखिए हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वर्धमान एवं ह्रासमान, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, डेफिनेशन बताया था, और उसके मैंने दो पैटर्न के क्वेश्चन बताए थे। एक, यदि हमको इंटरवल दिया हो तो उसमें चेक करना कि वो इंटरवल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और दूसरा मैंने बताया था कि किसी फंक्शन को लेके पहले इंटरवल फाइंड करना और इंटरवल फाइंड करने के बाद वो सभी इंटरवल को चेक करना, अंतराल को, कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी वर्तमान ह्रासमान के बजाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझे तो ज़्यादा बेटर है। तो मेथड मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। बाय द वे, आप में से जितने स्टूडेंट्स सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरा सजेशन है कि पहले इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें, तो कंटिन्यूस वो उसे लिंकअप हो जाएगा। ओके, तो आज के क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जितने तरह के क्वेश्चन वर्तमान ह्रासमान में हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए तो अपन क्लियर आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि हम एक फंक्शन को प्रूफ करना है कि वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। ठीक है, अंतराल ज्ञात करने के बाद देखिए एक एक पैटर्न का क्वेश्चन मैं लेते जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल 4x³ - 6x² -72x +100, ये एक फंक्शन है। क्लियर, अब इस फंक्शन में हमको सबसे पहले इंटरवल फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये फंक्शन है और इसमें इंटरवल फाइंड करना है और उस इंटरवल को हमको चेक करना है कि वह इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। फाइंड इंटरवल्स, अंतराल ज्ञात करना है और उस इंटरवल को हमको चेक करना है कि उस इंटरवल के लिए वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो मेथड क्या है, आप लोग को मेथड पहले से पता है। सिंस अपने को पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए है तो हम सीधा निकालते हैं इससे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन, दैट मीन्स 4x³ - 6x² - 72x + 100। क्लियर, अभी थोड़ा आप लोग को राइटिंग समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड पर मेरा नया नया एक्सपीरियंस है, तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा उसको एक्सक्यूज करना, भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इक्वल, तो 4x³ का डिफ्रेंशिएशन 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x² माइनस, ये हो जाएगा 12x - 72, कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया। दैट इंप्लाइज इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 12 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा x² - x - 6। क्लियर, 12×6=72, 12×6=72, दैट इक्वल 12। अब देखो इसको हम क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच के पद को ब्रेक करते हैं, बीच के पद को तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2x - 6। ओके,
तीन दूनी छः होगा और इसमें माइनस करेंगे हो जाएगा दैट इक्वल टू टू। इसको हम फैक्टराइज करें, इनका एक पेयर बना, इनका एक पेयर बना, यहाँ से x को मैं कॉमन करूँ तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री प्लस यहाँ से मैं टू कॉमन करूँ तो टू कॉमन करूँगा तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस थ्री। ओके, अब यहाँ पर x माइनस थ्री को अलग से कॉमन कर लें तो दैट इक्वल ये हो गया 12 एक ब्रैकेट में x माइनस थ्री दूसरे ब्रैकेट में x प्लस टू। अब आपको मेथड पता है कि फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम फंक्शन ऑफ एक्स को जीरो को इक्वल करते हैं। तो सिंस सिंस फंक्शन ऑफ एक्स सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो देयर फॉर 12 एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस टू इक्वल जीरो therefore x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड x प्लस टू इक्वल टू जीरो। और इस तरह हमको इंटरवल्स मिल जाएगा x इक्वल टू थ्री एंड x इक्वल टू माइनस टू। ये x के टू वैल्यूज फाइंड हो गए, इस x के वैल्यू के बेस पर हम उसके इंटरवल्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो therefore इंटरवल्स माइनस से स्टार्ट करेंगे, आपको पता है इंटरवल्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा माइनस टू, एक इंटरवल ये होगा, दूसरा होगा माइनस टू टू थ्री और तीसरा इंटरवल होगा थ्री टू इन्फिनिटी। ये हमने तीन इंटरवल फाइंड कर लिए एक्स के वैल्यू के बेस पर। अब हम क्या करते हैं, इस इंटरवल के लिए अलग अलग इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम चेक करेंगे किस तरह से। देखिए एक बार इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, तीनों फंक्शन के लिए हम अलग अलग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करेंगे। यहाँ तक क्लियर आपको? चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और अब हम इसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं एक एक इंटरवल्स के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनएकेडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500 वो सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा। देखिए इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स तीन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनएकेडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू। फर्स्ट फॉर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, इस इंटरवल के लिए हम चेक करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से इसके लिए यदि हम देखें तो यहां हमको पता है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स इक्वल टू है 12, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, और एक ब्रैकेट में है x माइनस थ्री और दूसरे में है x प्लस टू, ठीक है, यही फैक्टर है हमारे। देखिए x माइनस थ्री एंड x प्लस टू, ये हमारा f डैश x का वैल्यू है, ठीक है। अब यहां से आप देखो, अब हम इस इंटरवल को, ये वाले इंटरवल को इसमें चेक करेंगे तो देयर फॉर यहां से f डैश x, अब यहां पर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं फिर उसके बाद डायरेक्ट लिख दूंगा आपको। तो देखिए यहाँ से यदि हम x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच में रखें, दैट मीन्स यहाँ पर जो x का वैल्यू है, इस x के वैल्यू को हम क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, ठीक है, निगेटिव रखेंगे। तो निगेटिव निगेटिव के साथ में निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्या, माइनस। ओके, ये माइनस होगा और माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साइन को देखो,
यहां पर माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बिटवीन नंबर्स को पुट करेंगे तो टू के साथ में माइनस होके वही माइनस हो जाएगा, तो ये भी अपने को माइनस मिलेगा और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। दैट मीन्स इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। और हमको मालूम है कि जब एफ डैश एक्स का मान शून्य से बड़ा होता है तो वह अंतराल क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान ना, ये वर्धमान हो गया, क्लियर। अब हम देखते हैं इसके सेकंड इंटरवल के लिए। सेकंड इंटरवल है माइनस टू टू थ्री, माइनस टू टू थ्री। तो माइनस टू टू थ्री के लिए हम इसी तरह से फिर चेक करें तो क्या हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स, अब यहीं पर मैं पुट करके देख रहा हूँ, देखो इसके बीच में हम वैल्यू पुट अप करेंगे एक्स माइनस थ्री, ये वाला वैल्यू। तो माइनस टू से बड़ा यहाँ पर निगेटिव नंबर रखेंगे और थ्री से छोटा रखेंगे, ठीक है। तो नेचुरली माइनस थ्री उसके साथ में ऐड होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा। लेकिन माइनस टू से थ्री के बीच के नंबर यहाँ पर रखेंगे तो प्लस होगा, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। और इस तरह से एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। और इस इंटरवल में लेस देन जीरो होने के कारण क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटरवल इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब हो गया ये ह्रासमान। इसके लिए ह्रासमान हो गया, क्लियर। तो दो इंटरवल हमने चेक कर लिया, अब हम देखते हैं इसका तीसरा इंटरवल। तो थर्ड इंटरवल इसका क्या है, थ्री टू इन्फिनिटी। थ्री टू इन्फिनिटी के लिए चेक करें, थ्री टू इन्फिनिटी के लिए आप चेक करोगे, देखो तो इसी फंक्शन को हम चेक करते हैं। यहाँ पर यदि हम थ्री से बड़ा नंबर और इन्फिनिटी के बीच में रखें तो पॉजिटिव मिलेगा, नेचुरली ये भी पॉजिटिव मिलेगा। तो देयरफॉर इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तो इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव मिल गया, और इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि इस इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने तीन इंटरवल यहां पर चेक किया, इसमें आप बारी बारी से देखो कि इस इंटरवल के लिए ये पहला इंटरवल है, इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये दूसरा इंटरवल है, दूसरे इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, और ये तीसरा इंटरवल है, तीसरे के लिए भी क्या है, इंक्रीजिंग है। इस तरह से हम इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरवल्स फाइंड करेंगे और उस इंटरवल को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर चेक करेंगे। ओके, तो यह हुआ हमारा फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है उसको प्रूफ करना है कि वो इंक्रीजिंग ही है, मतलब द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर इंटरवल फाइंड किया, अब हम देखेंगे कि दिया गया फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, हमेशा वर्धमान है। ओके, क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी टू एक्स को हमको इसको प्रूफ करना है कि हमको प्रूफ क्या करना है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना है ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, कम लेंथ के होते हैं, थोड़ा टेक्निकल होते हैं। अब हमको इसको प्रूफ करना है कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स, देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर टू एक्स, क्लियर।
दैट इक्वल, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a सामने आ गया और e टू दी पावर मिलेगा अपने को 2x, इस तरह से। अब देखो हम e टू दी पावर x का प्रॉपर्टी जानते हैं, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, चर घातांक की श्रेणी है और चर घातांक की श्रेणी का वैल्यू निगेटिव नहीं होता। तो बट हम जानते हैं क्या कि e टू दी पावर 2x इज ऑलवेज, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, ये हम जानते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि e टू दी पावर 2x ग्रेटर देन जीरो होता है और f डैश का वैल्यू ये है, तो देयरफॉर यहां से क्लियर हो जाता है कि f डैश x का जो मान होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, f डैश x ग्रेटर देन जीरो होगा और देयरफॉर, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा फॉर आर रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, रियल वैल्यूज के लिए। तो बस दो लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना था, ओके क्लियर। तो जो फंक्शन हमको हमेशा इंक्रीजिंग शो कर रहे हैं उसको हमको बता देना है कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, हर कंडीशन में वो जीरो से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग होगा। तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, हम एक एल्जेब्रिक फंक्शन ले लेते हैं और एक एल्जेब्रिक फंक्शन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी इंक्रीजिंग ही प्रूव कर रहे हैं अपने को, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस हंड्रेड प्लस थ्री एक्स माइनस हंड्रेड, इसको प्रूफ करना है कि ये भी क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फॉर आर रियल वैल्यूज, ठीक है, ये सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या है, आर के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या है, ये इंक्रीजिंग है, ये हमको प्रूफ करना है, क्लियर। तो यहां से हम ले लेते हैं, देखिए यहां से f डैश x यदि हम यहां से करें तो डायरेक्ट मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3, क्लियर, दैट इक्वल, यहां से हम 3 को कॉमन कर लें, यदि हम यहां से 3 को कॉमन कर लें तो इक्वल 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्लियर, दैट इक्वल। अब अंदर आप देख रहे हो कि ये जो है वह x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यदि हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर करें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपने को मिलेगा, क्लियर। अब यहां पर आप इस वैल्यू को देखो, यहां पर इसका वैल्यू हमको पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट वी नो दैट 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा शून्य से बड़ा होता है क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है। अब देयरफॉर इसलिए क्या होगा, f डैश x का वैल्यू है ये, आप समझ गए होंगे हम बता क्या रहे हैं, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, मतलब किसी भी फंक्शन को यदि आपको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप ये बता दोगे कि उस फंक्शन का f डैश x हमेशा शून्य से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये सो हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अतः फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। तो इससे पहले मैंने आपको एक्सपोनेंशियल बताया था, ये एल्जेब्रिक है। अब हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि तीन तरह से उसको चेक करेंगे, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। और ये हम फंक्शन लेते हैं, देखिए ये है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये एक साइन एक्स एक बहुत मजेदार फंक्शन है और ये फंक्शन क्या है, तीन तरह का बिहेवियर शो करता है लेकिन अलग अलग इंटरवल पर। तो इस क्वेश्चन को हमको थ्री इंटरवल पर चेक करना है, ठीक है, ये थ्री इंटरवल्स मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट इंटरवल इज, चेक करना है इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फर्स्ट इज फॉर जीरो
टू पाई बाई टू, पहले जीरो से पाई बाई टू के लिए चेक करना है, एंड सेकंड इज फॉर पाई बाई टू टू पाई, इसके लिए चेक करना है, और थर्ड हमको चेक करना है फॉर जीरो टू पाई, जीरो से पूरा पाई के लिए। इस तरह से हमको इस फंक्शन को तीन कंडीशन में हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है कि पहले फंक्शन के लिए हमको प्रूफ करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि पहले नंबर के फंक्शन के लिए वो इंक्रीजिंग है, प्रूफ करना है इंक्रीजिंग प्रूफ करना है हमको, दूसरे के लिए डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, और तीसरे के लिए नाइदर THER, neither increasing nor decreasing, ये मजेदार क्वेश्चन है। neither increasing नार डिक्रीजिंग, ओके। तो एक एक करके अपन एक एक इंटरवल को लेते जाते हैं और उसके बाद हम उसको चेक करते जाते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट एक लाइन में एक्सप्लेनेशन, देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और बहुत बेस्ट है, यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन ऑफ एक्स है उससे हम निकाल लेते हैं देयर फॉर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स कॉस एक्स होगा क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब इसको समझने से पहले आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि इसके जो फोर क्वाड्रेंट्स में चार चतुर्थांश में इसके जो वैल्यू होते हैं कॉस के, देखो कॉस के लिए ना, ओनली फॉर कॉस, कॉस के लिए चार चतुर्थांश में हम यदि इसके वैल्यू देखें तो ये जीरो है और ये है पाई बाई टू, ठीक है, और ये है पाई, ये है थ्री पाई बाई टू, और ये क्या है टू पाई, जीरो मतलब टू पाई, ओके। अब हमको पता है कि कॉस का जो वैल्यू है, कॉस का जो वैल्यू है ये इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, इस इंटरवल में निगेटिव होता है, ये हमको मालूम है कॉस का वैल्यू, ठीक है, कॉस पर बात करें तो। अब एक एक करके हम एक एक इंटरवल पर इसका डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीरो टू पाई बाई टू पर, सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है, फॉर जीरो टू पाई बाई टू। अब देखो जीरो टू पाई बाई टू मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो जीरो से पाई बाई टू में इसका वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, तो जीरो से पाई बाई टू के कंडीशन में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है अपने पास कॉस एक्स है, ओके। तो फॉर जीरो टू पाई बाई टू एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देयर फॉर ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग हो गया, ये पहला एक एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं इंटरवल पाई बाई टू टू पाई, पाई बाई टू टू पाई, अब यहां पर देखो इंटरवल्स को, ये हम पाई बाई टू से, यदि हम पाई बाई टू से पाई तक डिस्कस करें तो यहां पर इसका वैल्यू क्या होता है निगेटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, देयर फॉर क्या हो गया ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो गया, ओके। और थर्ड इंटरवल में हम चेक करते हैं, थर्ड इंटरवल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या जीरो टू पाई, तो जीरो टू पाई। अब यहाँ पर देखो ये बहुत मज़ेदार इंटरवल है, जीरो टू पाई में प्रॉब्लम आ गया, कैसे, जीरो टू पाई मतलब यदि हम यहाँ से यहाँ तक चले तो एक में वो पॉजिटिव है, एक में क्या है निगेटिव है, मतलब यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को ना तो ग्रेटर देन जीरो लिख सकते ना तो स्मॉलर देन जीरो लिख सकते, तो यहाँ पर ना तो वह इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग, नार डिक्रीजिंग, ठीक है, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, क्लियर। तो ओनली एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन में, ओनली एक्सप्लेनेशन है कि हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कब वो इंक्रीजिंग होता है कब वो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं
एक और क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में एक नए पैटर्न का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए वो किस तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं। तो क्लियर आप लोग को? अब देखिए एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और इसके बाद लगभग इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे सब तरह के, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ये हमारा फंक्शन है और इसमें ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फॉर इंटरवल इंक्रीजिंग फॉर इंटरवल, इंटरवल हमको क्वेश्चन में दिया है 1 to 2, 1 और 2 के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसने खुद बता दिया। तो फिर हमको पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, माने ए का वैल्यू हमको फाइंड करने बोल रहा है, मतलब ए के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो नए पैटर्न का क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन में खुद बता दिया कि फंक्शन उस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है और हमको उसको प्रूफ करके बताना है। चलिए तो इसको हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है, उसको हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू अपने को मिल जाएगा 2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये मिलेगा क्या, a। अब हमको मालूम है कि जो इंटरवल है ये 1 टू 2 है, तो बट अब हम इसको लिख सकते हैं, बट फॉर इंटरवल 1 2, 1 और 2 के लिए हमारा इंटरवल कैसे लिख सकते हैं, x इज 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। 1 और 2 ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है, ओपन इंटरवल में आप लोगों को बताया था खुला अंतराल में लेस देन का साइन होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन को, ये फंक्शन आप इसको हम एफ डैश एक्स बनाएंगे, इसको एफ डैश एक्स बनाएंगे मतलब 2x प्लस ए बनाएंगे, तो ये 2x कब होगा, जब पूरे रिलेशन में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इंप्लाइज 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 इज लेस देन 2x इज लेस देन 4, ये हो जाएगा दैट इंप्लाइज। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये जो मिड में है उसको 2x प्लस ए बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे रिलेशन में ए ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए इज लेस देन 2x प्लस ए इज लेस देन 4 प्लस ए। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, इससे यहाँ से क्लियर है ये बात कि ये इसका मिनिमम वैल्यू देगा और ये देगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, किसका, ये है एफ डैश एक्स, ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है, क्वेश्चन में बोला है इंक्रीजिंग ये मिनिमम वैल्यू के लिए, क्वेश्चन में एक बात मैं लिखना भूल गया, ये मिनिमम वैल्यू के लिए बोला है, यदि इसको मैक्सिमम बोलता तो इसको लेते और मिनिमम बोल रहे हैं तो इसको लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर फॉर मिनिमम वैल्यू 2 प्लस ए, क्लियर, 2 प्लस ए इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू -2, तो ए का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -2 होगा। इस तरह से हम इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका वैल्यू आता है -2। ओके, 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, फॉर मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर लिखने के तरीके को थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पर हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ठीक है।
ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन माइनस टू, ये इसका आंसर होगा। मैंने ए का वैल्यू को माइनस टू से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये नया तरह का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें एक नया पैटर्न है। ये क्वेश्चन है और हमको बोलना है इस इंटरवल के लिए हम क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आज के क्लास में आपको जो एग्जाम्पल बताया, जो क्वेश्चन बताया, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर बेस्ड थे। और मैं जितना क्वेश्चन आपको बताया, मैं समझता हूँ कि उससे आपको क्लियर हो गया होगा। और आप अपना खुद से इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। बस दो पैटर्न के क्वेश्चन है बेसिकली, एक तो इंटरवल फाइंड करना और चेक करना, या इंटरवल दिया है उस पर चेक करना। ये एक नया क्वेश्चन था जिसमें हमको किसी का वैल्यू फाइंड करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आता ही है। इसके बाद मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, स्पर्श रेखा और अभिलंब, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार करिए, ज़्यादा लंबा नहीं, इमीडिएट, बहुत जल्दी हो सके तो आज कल में ही आपको मिलेगा वो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ओके, थैंक यू।